काम को वो काम को वोट देंगे या फिर आप किस तरीके से जो यहाँ पे काम कर रहा है या फिर किस तरीके? हम तो जो ईमानदार है उसी को वोट डाल देते हैं। ये ऐसा मुद्दा है कि हम तो आज भी कहेंगे कि इंडिया गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है। क्या दरकार है ऐसे चुनाव का? लोग मर जाएं उनके हिसाब से तो ये क्या मतलब हुआ? क्योंकि देखिए अभी ये चुनाव भीड़ तो होगा ही होगा, तो उस भीड़ के कारण तो अभी तो चार चरण और बाकी है, तो भीड़ होगा तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया ना। कर रहे हैं का तो बात यह है कि कुर्सी पे बैठने के बाद सब लोगों के हाथ बन जाते हैं। अभी तो मैं यहाँ सड़क पे खड़ा कुछ बड़ी बड़ी बात कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे को कुर्सी मिलती है उसके बाद बोलता है कि मेरे हाथ में ये नहीं है, मेरे हाथ में ये नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आएगा, ऐसे आएगा, वो एक मतलब चक्रव्यूह है, ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का। सही पूछो तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं हूं प्रभात। अभी इस वक्त पहुंचे हुए हैं दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में तीन विधानसभा क्षेत्र है, एक दार्जिलिंग है, करसियांग है, कलिम्पांग है, और इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अभी मतदान चल रहा है। 17 अप्रैल है, पांचवें चरण का मतदान चल रहा है। चार चरणों के चुनाव अब तक खत्म हो चुके हैं। पाँचवें चरण के मतदान में दार्जिलिंग काफ़ी मायने रखता है क्योंकि एक हिल स्टेशन है और ये बंगाल के और एरिया से काफ़ी अलग है। सिलीगुड़ी में भी आज मतदान है, जलपाईगुड़ी में भी मतदान है, लेकिन दार्जिलिंग में है तो दार्जिलिंग की बात करते हैं यहाँ। और यहाँ जो सुविधाएं हैं किस तरीके से, या कोई दिक्कत है स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं कि नहीं, रोजगार का मुद्दा है कि नहीं, या क्या मुद्दा है, इन्हीं लोगों से जानते हैं जो अभी मतदान के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अभी मतदान के लिए वोट करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आप क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर के अभी फिलहाल? अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप नहीं, नहीं, नहीं। क्या मुद्दे सोच करके आए हैं कि किस पर मतदान करना चाहिए, किस मुद्दे पे? इशू क्या है? इशू तो हमारा वही है कि क्या नहीं, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो दार्जिलिंग में क्या है, दार्जिलिंग का जो मुद्दा है वो यहाँ का, वो गोर्खालैंड का मुद्दा है, इसीलिए ना यहाँ पर डेवलप भी होना चाहिए। ये है तो ये कौन मुद्दा उठा रहा है, कौन सी पार्टी है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, वो दार्जिलिंग में अपना अपना पार्टी है, अपना अपना पार्टी का अपना अपना मुद्दा है। जी जी। तो फिलहाल जैसे सेंटर में सरकार है मोदी की और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ममता की है, इनका क्या यहाँ पे क्या असर है और किस तरह? एक बार तो चेंज होना चाहिए दार्जिलिंग में भी। दार्जिलिंग में चेंज होना चाहिए। यहाँ रोजगार का भी मुद्दा है। हाँ, रोजगार तो यही वैसा प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन चेंज की आप बात कर रहे हैं तो सेंटर में जो सरकार है आपको लगता है वो काम कर रही है कुछ इस तरीके से कि जो आप यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं? सेंटर में देख रहा है हम भी, थोड़ा थोड़ा स्टेट में तो अच्छा अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए दार्जिलिंग में चेंज होना चाहिए। अच्छा। ये है ना, आप क्या कहेंगे जो यहाँ पर सर आप लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या मुद्दे हैं सर? इश्यूज पे बात कर सकते हैं? नो इश्यूज। क्या प्रॉब्लम है? वी हैव राइट टू वोट एंड वी विल कास्ट द वोट, दैट्स इट। यहाँ पे कोई बोलना नहीं चाह रहा है, कुछ तो बोलिए आखिर यहाँ मुद्दा क्या? हम लोग सिर्फ प्रजातांत्रिक हमारा अधिकार है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आए हैं। लेकिन सेंटर की सरकार वो किस तरीके से काम कर रही है? अभी कौन आने है सर? अच्छा, क्या सोचते हैं सेंटर की सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में? नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ हम बोला ना कुछ नहीं। अभी हम लोग तो बेरोजगारी नहीं है, अब दार्जिलिंग में बेरोजगारी खत्म हो गया है, काम नहीं मिल रहा किसी को। जी जी, इसी मुद्दे में हम लोग वोट देंगे। हाँ, यहाँ बहुत बेरोजगारी, हम लोग का यहाँ का छोटा छोटा भाई बहन सभी पलायन हो रहे हैं, काम नहीं मिल रहे है। डेवलपमेंट अब जो करता है हम वही पार्टी को वोट देंगे। अच्छा अच्छा, लेकिन एक चीज है कि जो सेंटर की सरकार है, मोदी सरकार है, उसने रोजगार के बहुत सारे वादे किए थे, वो क्या फुलफिल हो पाए आपको लगता है? एक्चुअली में हम लोग तो राजनीति का आदमी नहीं है, हम लोग का उतना पता नहीं है, लेकिन मोदी जी भी जो कर रहे हैं सेंट्रल में देश के लिए वो भी बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, वो भी इतना खराब नहीं कर रहे, अच्छा ही कर रहे हैं। क्यों सर, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं? अब इसलिए विकास ही चाहेंगे ना, बेरोजगारी दूर हो, हेल्थ सुविधा ठीक हो, हेल्थ का बहुत ज़्यादा स्थिति और अच्छा हो, बेहतर हो सकता है। सेंटर में सरकार वो इस पे खरा उतरती है, वो कर रही है कुछ ऐसा? नहीं, सेंटर तो ठीक ही कर रही है, सेंटर भी ठीक ही कर रही है, लेकिन रोजगार मुहैया तो नहीं करा सकी सरकार। ये तो उसमें तो हम कुछ बता नहीं सकते। फिलहाल यहाँ के जो इश्यूज हैं उस पे लोग क्या कह रहे हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और भी जगहों पर जाएंगे वहाँ भी पता करेंगे कि वहाँ पर लोग जो मतदान कर रहे हैं दार्जिलिंग में वो क्या कहते हैं। ये भी एक
बूथ है जहाँ पर वोटिंग चल रही है और यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, उनसे हम रिएक्शन जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है। यहाँ पर कुछ लोग अभी खड़े हुए हैं। आपने कर दिया वोटिंग? हाँ सर, कर दिया। क्या यहाँ के लोग कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं वोटिंग करते टाइम आप, किस तरीके की वोटिंग करते समय? तो अभी जो क्या बोलते हैं, अभी अपने को सोचता है उसी को वोट डाल देता है। हाँ, जो हाँ, मेरे को जो अच्छा करेगा उसी को डाल देता है। जी जी। हाँ, मेरे को नहीं, सभी को ऐसे। जी जी। तो यहाँ के क्या इशू है वैसे, सबसे ज़्यादा लोग उनका ध्यान रख करके वोट करते हैं? यहाँ तो अभी क्या बोलता है अभी वो गोरखालैंड के लिए बोलता है। हाँ जी, गोरखालैंड के लिए बोल देगा। गोरखालैंड का यहाँ पर जो मेन मुद्दा है उसको लेकर के ही यहाँ पर वोटिंग होती है। और दार्जिलिंग इसीलिए पश्चिम बंगाल से काफ़ी अलग है, यहाँ पे वोटिंग जो होती है काफ़ी अलग मुद्दे होते हैं। पश्चिम बंगाली है तो ऐसे तो पश्चिम बंगाली है। अच्छा, इस बार अलायंस किया है टीएमसी ने यहाँ के लोकल जो रीजनल पार्टीज हैं। टीएमसी का जो है दो आदमी पार्टी वो किया हुआ है, एक तो विमल गुरुंग जी का सपोर्ट और एक जो है बेना तामांग जी का सपोर्ट, वही है। तो क्या लगता है उसका अलायंस का कुछ फ़ायदा मिलेगा? पता नहीं, तो हम अभी वोट के बाद ही वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ के जैसे आपने कहा गोरखालैंड, क्या लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है किसी की सरकार आने के बाद? पता नहीं, वो तो अभी ऊपर नेता वाला नेता लोग सोचेंगे। हम लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं किसी से नहीं, हम तो क्या बोलेगा अभी सर। क्या मतलब, काम को वोट देंगे या फिर आप किस तरीके से जो यहाँ पे काम कर रहा है या फिर किस तरीके? हम तो जो ईमानदार है उसी को वोट डाल देते हैं। फिलहाल और लोगों से बात करते हैं, ईमानदार को वोट देंगे हम तो। जो नेता ईमानदार है उसी को वोट डाल देते हैं। वैसे मैं अगर पूछूं, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली आप बता सकते हैं कि क्या कौन नेता ऐसा ईमानदार है आज के टाइम? नहीं, वो नहीं बोल सकता हम अभी नहीं बोल सकता वो। वैसे तो ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना। तो यहाँ पर ईमानदारी को ध्यान में रख करके वोट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे गोरखालैंड एक अलग जो राज्य की मांग है उसको ध्यान में रख करके वोटिंग हो रही है। और यहाँ पश्चिम बंगाल में खासकर जो अलग अलग आज जहाँ पे वोटिंग हो रही है, 45 सीटों पे वोटिंग हो रही है सबसे पाँचवें चरण में, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि यहाँ का जो दार्जिलिंग है, ये यहाँ की वोटिंग सबसे अलग हो रही है, यहाँ का इश्यू ही अलग है और यहाँ पर लोग अलग तरीके से मतदान कर रहे हैं। अब ये कहना मुश्किल होगा कि कौन यहाँ से जीतेगा, लेकिन फिर भी जो इनडायरेक्टली जो हिंट है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग तरीके से वोटिंग चल रही है। यानी कि जो कहा जाता है कि अलग जगह हवा होती है, कहीं कहीं लगता था कि हमने अब तक पब्लिक ओपिनियन जितने लिए उसमें दिखाया गया कि लेफ्ट का भी कहीं वर्चस्व है, कहीं पर तीनों पार्टियों का लेफ्ट मतलब यानी कि संयुक्त मोर्चा और बीजेपी टीएमसी तीनों का कहीं कहीं वर्चस्व था, कहीं पे हमने दिखाया कि टीएमसी का ही केवल गढ़ कहा जाता है, ममता का ही गढ़ कहा जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर जिसके हिसाब से बीजेपी दावा ठोकती है, कुछ सीटें उसकी जो मजबूत हैं वो शायद यहीं आसपास की सीटें होंगी, शायद इसीलिए जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। हालांकि और भी लोगों से हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आपने वोट किया है? हाँ जी। कैसा मतलब, क्या आपने मतलब पहले सोच लिया था किसको वोट करना है या फिर? हाँ जी, ऐसे है अभी सोच तो रखे। यहाँ पे लोग किस मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सबको ऐसे डेवलप चाहिए, एजुकेशन के ऊपर, जगह के ऊपर। अच्छा, वही सोच के डाला है। तो जो जैसे सेंटर की सरकार ने कुछ अगर यहाँ के लोगों के लिए कर रही है कुछ सरकार? फिलहाल तो इतना ही वही है जो पहले करते बोला, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अभी देखते हैं आगे क्या होते। फिर भी यहाँ के लोग क्या मतलब चाहते हैं कि मतलब बंगाल में चेंज हो, ऐसा कुछ? ऐसे अभी अपने अपने विचार है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर चेंज हो तो काम हो सकता है? हो सकता है, चेंज हो तो काम हो सकता है। हाँ जी। मैडम, आपने वोट कर दिया? नहीं, हम वोट डाल दिया, वोट डाल दे और कुछ नहीं बोलना चाहते। यहाँ पे वोट करने जा रहे हैं आप? हाँ, वोट करने जा रहे हैं भाई। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पे एक अलग ही टाइप से वोटिंग होती है ये, खासकर दार्जिलिंग में? हाँ, ये
नहीं ये तो दार्जिलिंग का हो गया ना, जैसे तीन हो गया ना, एक खरसांग का और एक कालिम्पोंग का, दार्जिलिंग का। तो ये कौन सा है? ये तो दार्जिलिंग का हो गया ना। हाँ हाँ। अच्छा यहाँ पे गोरखालैंड की है डिमांड है, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अगर आए तो ये डिमांड आप लोगों की पूरी कर सकती है? नहीं नहीं नहीं, ये पार्टी आने से तो ये नहीं है, वो तो मुद्दा अलग है ना, वो तो मतलब क्या है कि सब लोग जब डिसाइड करेंगे, क्योंकि पहले तो जो ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तो जो ना बंगाल गवर्नमेंट में पास होने के बाद जो ना सेंट्रल के पास जाएगा ना वो मुद्दा, तो कि नहीं है, तो इसको तो ये तो जो ना भाई सब पार्टियाँ मिल के ही जिस दिन पास करेगी उसी दिन हो जाएगा ये। तो आपको लगता है कि अगर दोनों डबल इंजन हो तो हो सकता है सर पॉसिबल? मतलब डबल इंजन मींस मतलब नहीं सर, इंजन बोलते हैं ना कि मतलब कि अगर स्टेट का भी सेम अगर पार्टी हो और सेंटर का भी सेम पार्टी हो तो ऐसा मुमकिन हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो इंडिया गवर्नमेंट का उसमें कुछ और भी जना, ये जना शुरू से लोग बोलते हैं ना ये तो चिकन नेक है ना, इसके अराउंडिंग में जना इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत है ना, तो उस हिसाब से वो लोग जो डिसाइड करेंगे वो होगा ना, कि नहीं है वो मेन मुद्दा खाली वो जो ना इसको देखते तो कभी कभी दे देते। और क्या क्या मुद्दे देने में क्या मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे तो बहुत है एक्चुअल में, अभी फिलहाल तो मुद्दा ये है कि जैसे वोट दें जो यहाँ जो हमारा जो MLA होता है वो क्या है कि भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहीं लेवल से ही शुरू कर दे काम करना। मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे तो छोटे छोटे बहुत हैं, सामने में गंदगी पड़ी है कि नहीं पड़े, मुद्दे तो क्या कि यहाँ से शुरू होते हैं। देखिए पर्सनल जो जनरल पब्लिक है उसका मुद्दा शुरू होता है जो वो घर से बाहर निकलता है ना, वहीं से शुरू हो जाता है मुद्दा। तो नलका में पानी नहीं आ रहा तो वो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो वहाँ से शुरू होता है, आदमी को सबसे ज़रूरी तो पानी है, पानी स्वास्थ्य स्वास्थ्य जो हर एक चीज़ जो नहीं समझे क्या, रोजगार का भी मुद्दा, रोजगार का तो मुद्दा है ही, अब ये तो डेली डेली कोरोना बढ़ रहा है तो रोजगार का तो सबसे बड़ा मुद्दा है। बताओ आप बताओ कैसे करेगा इसका, समस्या का समाधान भी तो नहीं हो रहा, किसी से होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, कहीं सोल्यूशन दिख रहा है आपको? क्या आपके हिसाब से क्या लगता है यार, कोरोना को लेकर के डर है लोगों में? देखिए अब दोबारा बढ़ गया है, बीच में जो ना ख़त्म हो गया था, डर है लोग जो ना अपने उस हिसाब से कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ अब जैसे मेरा बच्चा वो भी मास्क लेके आया है, वाइफ भी मास्क लेके आई है, बीच में इन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया था जैसे। अच्छा लोग कह रहे हैं ना, सरकार भी कह रही है घरों में रहें लोग, निकले ना, लेकिन बंगाल में चुनाव है और यहाँ पर लोग निकल रहे हैं तो क्या? देखिए ये ऐसा मुद्दा है कि हम तो आज भी कहेंगे कि इंडिया गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है, क्या दरकार है ऐसे चुनाव का, लोग मर जाएं उनके हिसाब से तो ये क्या मतलब हुआ? क्योंकि देखिए अब ये चुनाव भीड़ तो होगा ही होगा, तो उस भीड़ के कारण तो अभी तो चार चरण और बाकी है, तो भीड़ होगा तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया ना, भीड़ होगा लोगों को, आपके जान की परवाह किसको है? किसी को नहीं है, बस मेरे को राज चाहिए, बोला कि जान से कोई मतलब ही नहीं है किसी को, बोलो पॉलिटिक्स है बस। हाँ पॉलिटिक्स है, पब्लिक का क्या किया है कि इन लोगों ने जो ना मतलब अपने हिसाब से जो ना, पहले तो पब्लिक अपनी मर्जी से चलता, अब गवर्नमेंट के हिसाब से पब्लिक को चलना पड़ रहा है, आप इस चीज़ को देखो कि नहीं है, बोलो। अच्छा यहाँ पर वैसे अगर देखें बंगाल में, तो पूरे बंगाल में अगर देखें तो यहाँ दार्जिलिंग से अलग वहाँ पर कहीं पे बोला जाता है इनका गढ़ है उनका गढ़ है, यहाँ पे किसी का कुछ ऐसा है गढ़ की नहीं, ये तो देखिए इच्छा है जो जिसको देखे आएगा जिसके मन में जो है, फिर भी मैं पर्सनल तो ये कहूँगा जिसको ये लगे कि हमारे यहाँ जो काम कर सकता है उसको वोट दो, काम पे कि काम पे वोट दो, सही बात है, जो हमारे यहाँ काम कर सकता है उसको वोट दो। मतलब ये MLA का इलेक्शन अलग होता है, MP का अलग होता है? हाँ MP MLA दोनों ही अलग हो गए ना, कि नहीं है, बोलो। लोकसभा में जो है यहाँ पे MP वो कुछ काम कर रहे हैं? कर रहे हैं का तो बात यह है कि कुर्सी पे बैठने के बाद सब लोगों के हाथ बन जाते हैं, अभी तो मैं यहाँ सड़क पे खड़ा कुछ बड़ी बड़ी बात कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे को कुर्सी मिलती है उसके बाद बोलता है कि मेरे हाथ में ये नहीं है, मेरे हाथ में ये नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आएगा ऐसे आएगा, वो एक मतलब चक्रव्यूह है, ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का। सही पूछो तो आदत होती है लोग ना बहुत सारे वादे करते हैं, करता कुछ नहीं है, तो ये तो सब पब्लिक के साथ धोखा तो हो ही रहा है, लेकिन पब्लिक की मजबूरी है, बोला कि वोट तो देके, और वो बात है ना कि नहीं, आप बताओ आपके भी तो आप भी तो देके आए होंगे, या फिर अब आपके नेक्स्ट चरण में आपको भी देना होगा कि नहीं है। देखिए पब्लिक के लिए कोई नहीं लड़ रहा ऐसा महसूस कर रही है पब्लिक, सच्चाई तो ये है कोई नहीं लड़ रहा है पब्लिक के लिए, कोई नहीं लड़ रहा है, ये बात पब्लिक को ऐसा महसूस हो रहा है खास में। लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों समझते हैं कि ये मतलब एक आस्था होती है कई लोगों में, कई लोग कहते हैं कि नहीं वो ईमानदार है इसलिए हम उन्हें वोट देंगे, या बहुत पसंद करते हैं, तो क्या पसंद करने वाली चीज़ होनी चाहिए या काम? बहुत मुद्दे हैं, ईमानदार कोई है ही नहीं, ईमानदार किसको प्रूफ करेंगे बताओ? एक मीटिंग का कितना खर्चा होता है आप ये बताओ, एक मीटिंग का खर्चा कितना होता है, आप इतनी रिपोर्टिंग करना, बहुत सारे कहाँ से आता है वो,
हमको तो नहीं लगा किसी को चेक मिला आज तक, किसी भी पंडाल वाले को आज तक चेक मिला मेरे को तो नहीं लगता। आप एक वो पान दुकान वाले को बोलेंगे आपने बिल काटा है, नहीं काटा, बोला कि चलो तुम्हारा चालान कटेगा। अरे तुम जो ना वो पंडाल वाला जो ना करोड़ों रुपया ले गया उस पर तो कोई बात ही नहीं हुआ कि नहीं है, वो कुर्सियां फ्री में आ गई, कोई नहीं देता है कुर्सियां फ्री में बैठने की। अच्छा, तो मुद्दे पे बात तो नहीं कर रहा ना आप, अब भी आपसे कुछ बात करेंगे वो मुद्दा थोड़ा ना होता है, बस ये दो मिनट का खेल है, बात खत्म। नहीं सोच लिया का, हमारा सोचने का नहीं, हम तो जनरल बता रहे हैं, जो बेचारा क्या करेगा, पब्लिक के हाथ में है क्या ये बताओ। हम डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ सकते कि मतलब कि किसको वोट देंगे क्या देंगे, नहीं डायरेक्टली तो जो ना बताना भी नहीं चाहिए किसी को, वो तो उसकी मर्जी है, वही तो पर्सनल है उसके पास बस। लेकिन ये पूछ सकते जरूर कि कौन सेंटर की सरकार ने जो काम किया है या वो किस तरीके से आपको लगता है उसके काम को देख करके लगता है? नहीं आप ये बताओ कि सेंट्रल की सरकार ने यहाँ क्या किया है, एक आप भी तो ये लेके चलो ना भी आज सेंट्रल की सरकार ने ये कर दिया है या फिर जो ना भी उस गवर्नमेंट ने ये कर दिया है। देखिए देखिए पर्सनल बात यह है कि हॉस्पिटल में ज़रूर काम हुआ है, ये बात सच है, अभी वो सेंट्रल ने किया है या स्टेट ने किया है लेकिन हॉस्पिटल में काम हुआ है, ये बात सही है। कौन किया है उसने? अब जो दोनों का कंबाइनेशन जहाँ भी इससे भी हुआ है, अब देखिए तय तक तो नहीं जाते ना, कई बार क्या होता है कि कुछ सेंट्रल की होती है और कुछ जो ना पॉलिसियाँ जो ना स्टेट की होती है कि नहीं, हॉस्पिटल में काम हुआ है ऐसी बात नहीं। कोविड के टाइम पे किस तरीके से यहाँ संकट आता है? कोविड का तो देखिए उतना नहीं था यहाँ पे, कोविड का इतना नहीं था, लोगों ने मैनेज कर लिया, लेकिन अब डर हो गया। अब डर क्या हो गया कि जैसे वोट देने कोई बम्बई से भी आ रहा है, कोई बाहर से भी आ रहा है, हम अब मेरे घर में मैं आया हूँ तो मेरे घर वाले मेरे को तो रखेंगे ना कि बोलेंगे कि घर से बाहर रहो आप, ये बताओ। तो ये तो अब पूरी सेफ्टी की बात है, कोविड का तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, अब पहले से मुकाबले अब ज़्यादा दरकार है आपको भी सेफ्टी की। अच्छा पर्यटक पर्यटन भी एक तरीके से यहाँ का मेन वो होता है जो इनकम का, लेकिन ये कोविड या ऐसी चीज़ों से ख़त्म हो जाता है एक तरीके से कहीं ना कहीं, तो उससे कितना नुकसान हो जाता है? नुकसान तो देखिए इतना होता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती, पर आदमी का कोई आंकलन ही नहीं होता है खास में, नुकसान का कभी आंकलन थोड़ा ना होता, वो तो सरकारी आंकड़ों पे चला जाता है खाली, जो पर आदमी का नुकसान हो रहा है, मतलब पर जैसे हमारा छोटा सा शॉप है उसमें इतना जैसे तीन चार वर्कर है, हम उसको पे नहीं दे पाते या वो बेचारा किस तरह गुजारा करता है, एक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चलता है वो, मतलब कोई गुजारा थोड़ी ना। तो आपने देखा अभी सुना यहाँ के लोगों को कि पाँचवें चरण के मतदान जो हो रहे हैं उनमें जो दार्जिलिंग का ये विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरीके के लोग बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग खुल के नहीं बोलते हैं, यहाँ पर साइलेंट वोटर्स वैसे भी होते हैं, यहाँ के लोग बात करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग स्पष्ट तौर पर कुछ कहने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि लेकिन यहाँ का चुनाव काफ़ी अलग है जो अन्य एरिया के पश्चिम बंगाल के चुनाव है, जैसा कि हमने बताया। देखते रहिए फोरम फोर के साथ, बने रहिए, मैं प्रभात कैमरा पर्सन आविदा खान के साथ दार्जिलिंग। खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।